तो ये होता है प्लानिंग फॉर मैनिफेस्टेशन। आप इस तरीके से जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी आपको प्लानिंग करना है। तो जब आप प्लानिंग करने लगते हो तो यूनिवर्स को ये संकेत जाते हैं कि नाउ आई एम रेडी, और उसके बाद भरोसा रखना है, डाउट नहीं रखना है। डाउट रखोगे तो डाउट ही मैनिफेस्ट होगा कि मैं वहां जा ही रही हूं, मैं मूव हो ही रही हूं, अनएक्सपेक्टेड मनी मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लगेंगी, क्योंकि आपको पूरा पूरा भरोसा है, आपने उसके बारे में सुना है, जाना है, इमेजिनेशन किया है आप। और कई लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, तो उसकी टिकट आप पहले से बुक कर लीजिए और ये श्योर रखिए कि उस समय तक वो पैसा अरेंज होगा, विश्वास होना चाहिए। और अगर टिकट बुक करने के लिए भी मनी अरेंज नहीं हो पा रही है तो क्या करना है आपको, कम से कम एटलीस्ट सूटकेस तो रेडी करिए। सूटकेस रेडी कीजिए, उसमें आपको कौन से वेदर में जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या क्या पहनोगे, किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट वो करना शुरू कीजिए, मेंटली प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए, तो भी यूनिवर्स को क्या संकेत जाते हैं कि ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में आपकी वास्तविकता बन के आता ही आता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप रिसीविंग के लिए ओपन रह सकते हो। और एक चीज़ है जिसके लिए आप ओपन टू रिसीव रह सकते हो, वो है एक्साइटमेंट। आप हमेशा एक्साइटमेंट में अगर आप रहोगे तो यूनिवर्स को ये संकेत जाते हैं कि यस दे डिजर्व मोर एक्साइटमेंट, ये और एक्साइटमेंट को चाहते हैं, यही लव ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हम ऊर्जा उत्साह से भरे रहते हैं तो वही चीज़ें और अट्रैक्ट होती हैं हमारे पास। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं, आपके वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, आपके सोचने के तरीके को बदलते हैं और हम ओपन टू रिसीव हो जाते हैं, मतलब हम रिसीव करने के लिए खुले दिल से तैयार होते हैं। इसमें चक्रास हीलिंग भी बहुत अच्छा रोल अदा करती है। चक्रास हीलिंग में हमारे 7 चक्र रहते हैं, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 सेंटर होते हैं, और ये जो इनमें ऊर्जा प्रवाहित होती रहनी चाहिए, और वो ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो पाती है, तो कुछ इमोशंस रहते हैं जो कि हमारे चक्रास को क्या करते हैं, ब्लॉकेज करते हैं। जैसे मान लो हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं तो हमारे जो मूलाधार चक्र है ये उसकी एनर्जी है, मतलब हम सिर्फ उतना ही करना चाहते हैं जितना में हमारा जीवन यापन हो पाए, हम उसके आगे का सोचते ही नहीं हैं, तो हमेशा वही अट्रैक्ट होता रहेगा। तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो चक्र हैं वो उसमें कोई इमोशंस, कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं है हमारे अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो मैंने बताया मूलाधार, ये सर्वाइवल मोड का रहता है, मतलब हमें सिर्फ हमेशा सिर्फ ज़रूरत ही पूरी हो जाए हम उतना ही सोचते हैं, तो ये आज से सोचना बंद करना है। लैक लिमिटेशंस को मैंने पहले ही बोला, उसको छोड़ना है, लीव करना है, अदरवाइज आप कभी भी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि अबंडेंस है उसके बारे में, वो सोचेगा ही नहीं तो वहां तक पहुंचेगा कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वेल्दी हैं, बहुत पैसा है उनके पास, तो वो अब आप बोलोगे वो ग्रेटफुल तो नहीं रहते, ये बहुत अलग अलग तरीके हैं इसके। कई लोगों के पास हेरिडिटी की वजह से आता है, कई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग रहती है क्योंकि वो पैदा ही वहीं होते हैं, और जो नहीं है वो वहाँ तक पहुँचे उसके ये तरीके हैं। तो यहाँ किसी से कंपेयर करने की बात नहीं है, किसी से उसके पास है मेरे पास नहीं है, कॉम्पिटिशन की बात नहीं, यहाँ सिर्फ आपको खुद पे काम करना है। जिम रोन बोलते हैं कि आपकी इनकम तभी ग्रो होगी जब आप ग्रो होगे, मतलब आप जब खुद पे काम करने लगते हो ना तब आपकी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, तब ये दुनिया की परिस्थितियाँ चेंज होती हैं। और परिस्थिति उनके साथ ही आती है जो खुद को, जिसको यूनिवर्स या जिसको सुप्रीम पावर या ईश्वर अच्छा बनाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, उसको पता है कि इसमें पोटेंशियल है, उसी के साथ ही विपरीत परिस्थितियां आती हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पोटेंशियल नहीं है, वो केवल जीवन यापन, बस थोड़ा सा कमा लिया उसमें ही उनकी ज़िंदगी पूरी निकल जाती है, उनके पास परिस्थितियां भी बहुत चैलेंजिंग नहीं आती क्योंकि उनके पास पोटेंशियल भी नहीं है और ईश्वर भी नहीं चाहता और उनके सोल का पर्पस भी नहीं है। पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इट मीन्स यू हैव पोटेंशियल, आपके अंदर वो शक्तियां हैं, तो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल।
लीव ऑल लिमिटिंग बिलीव्स एंड बी एक्साइटेड टू रिसीव, प्लानिंग फॉर मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें आप करो। ये तीनों चारों चीज़ों में आप रिसीविंग के लिए ओपन हो जाओगे। जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड वे, आप जर्नलिंग करिए, थैंकफुल रहिए। और मेरा लास्ट में आपसे सिर्फ यही एक मैसेज रहेगा कि ये चीज़ों का एम्बॉडी करना शुरू कीजिए। एम्बॉडी करना मतलब उसमें और आप में, जो आपकी न्यू आइडेंटिटी है, जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं, वो व्यक्ति और अभी के जो आप व्यक्ति हो, वो दोनों बिल्कुल एक हो जाने चाहिए, ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल बदल जाना चाहिए। जैसे आप किसी दूसरे घर में रह रहे थे, किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए तो पूरी तरह से शिफ्ट हो गए, अब वापस उस घर में नहीं रहते हो, वैसे ही आपके जीवन को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, एम्बॉडी हो जाना चाहिए। उस एनर्जी को आपको पूरी तरह से समाहित कर लेना है अपने अंदर कि आप वही व्यक्ति हो। दिन रात सोचना, उठना, बैठना, करना, महसूस करना, सोचना, सब कुछ उसी व्यक्ति जैसे हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं एम्बॉडीमेंट। और जब हम एम्बॉडीमेंट कर लेते हैं तो वी आर ओपन टू रिसीव, क्योंकि फिर वो और कोई रास्ता रह ही नहीं जाता ईश्वर के पास कि वो आपसे चीज़ें ना दे या छीन ले, क्योंकि आप ऑलरेडी वो व्यक्ति हो। तो एम्बॉडीमेंट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, जो लिव एट द एंड है। जब आप वो प्रैक्टिस करने लगोगे, वो व्यक्ति खुद ब खुद आप बन जाओगे। बस आपको बेस्ट से बेस्ट बिहेव करने की कोशिश करना है, एक्ट करने की कोशिश करना है, एंड यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट एंड वेरी फास्ट।